आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हो। गाइस सीरियसली आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन यू मुझे कितना अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे। तो एज अ गर्ल मैं WWE का कंटेंट बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो आप इस वीडियो को। वैसे आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ WWE में एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने रोमन रेंस को क्रेजी कहा है और उन्होंने रोमन रेंस के बारे में ये भी कहा है कि मैं उन्हें हेड ऑफ द टेबल नहीं मानता हूँ। और WWE के एक सुपरस्टार ने काफी अट्रैक्टिव टैटू बनवाया है। तो वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो, माय नेम इज शिवानी। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो रैंडी ऑर्टन अभी काफी सक्सेसफुल है WWE में। और पता है उनके सक्सेस के पीछे कौन है? उनके फादर बॉब ऑर्टन। उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट लिखा है, उसमें रैंडी ऑर्टन एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दिए कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज यहाँ तक नहीं रहता। वैसे जो भी हो, फैमिली हमेशा ही हर सिचुएशन में हमें सपोर्ट करती है रियल लाइफ में भी। और रैंडी ऑर्टन ने एक और ट्वीट में एक्सप्लेन किया कि उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि तुम WWE को छोड़ दो, WWE को छोड़ने के बाद तुम्हारा लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा और तुमको जिंदगी में कभी भी पेन नहीं होगा जब तुम WWE में फाइट करना छोड़ दोगे। तो वैसे गाइस करंट टाइम में देख लो रैंडी ऑर्टन के बैक में काफी ज्यादा इंजरी है, फिर भी वो अभी तक WWE में फाइट करने वाले और आगे भी करेंगे। वो बोलते हैं ना चाहे हम लोग कितने भी प्रॉब्लम में वो अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। देन बात करते हैं कॉडी रोड्स के बारे में। तो कॉडी रोड्स को अभी एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आपने स्मैकडाउन के प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा कि लॉगन पॉल और कॉडी रोड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला था। वहाँ पे जब लॉगन पॉल आए थे तो वो बहुत सारे पीपल्स के साथ आए थे, इनफैक्ट अपने मैनेजर के साथ आए थे। वैसे अभी कॉडी रोड्स भी चाहते हैं कि उनका भी एक मैनेजर हो। देन बात करते हैं ऑटिस के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप देखते हो शैड गैम्बल हमेशा ही उन्हें अपने इशारों पे नचाते हैं। तो ऑटिस ने करेंटली सैमी चैन से माफी मांगा है जो उन्होंने किया था। वैसे गाइस जो भी शैड गैम्बल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ऑटिस को। पता नहीं अब कब WWE में वो अपना मुंह खोलने वाले हैं। वैसे गाइस जो भी बोलो ये देखने में काफी ज्यादा इनोसेंट लगते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉगन पॉल और कॉडी रोड्स का जो मैच होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। तो देखो तो अभी से बस कुछ ही दिन बच गया इन दोनों का मैच होने में। वैसे इस मैच में कॉडी रोड्स अपना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। इसको ही लेके लॉगन पॉल कॉडी रोड्स को एक मैसेज देते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पे। तो रिसेंटली लॉगन पॉल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी पोस्ट की है और वो जो स्टोरी लगा है वो एक वर्कआउट का है। उसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कॉडी रोड्स से लड़ने के लिए वो रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में लिखा है मेन इवेंट रेडी। तो इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉगन पॉल अपने मैच के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और गाइस वो पहले से थोड़ा ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। वैसे गाइस मुझे तो नहीं लगता कि लॉगन पॉल जीतने वाले। अगर लॉगन पॉल जीत गए तो वो डबल चैंपियन बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कॉडी रोड्स जीतने वाले या लॉगन पॉल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, यानी कि रोमन रेंस को लेके एक सुपरस्टार ने काफी कुछ कह दिया मजाक मजाक में। और जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि रोमन रेंस जब से ब्लडलाइन का लीडर बने थे तब से ही वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए आए हैं सभी को। और करंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के फैमिली के कुछ मेंबर उन्हें हेड ऑफ द टेबल नहीं मानते हैं। तो ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि जीला फाटू है। वैसे आपको बता दूं करंट टाइम में जीला फाटू बुकर टी के रियलिटी ऑफ रेसलिंग और GCW में परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिसेंटली जीला फाटू एक इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू में उन्हें बताया गया कि रोमन रेंस खुद को अभी हेड ऑफ द टेबल कहते हैं। और इसी का रिप्लाई देते हुए जीला फाटू ने ये आंसर दिया कि जीला फाटू ये बोलते हुए नजर आते हैं कि वो स्कूल के उन बच्चों में से हैं जो टेबल के टॉप पर खड़े रहते हैं। और आगे बोलते हैं कि भले ही रोमन खुद के लिए हेड ऑफ द टेबल है बट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वैसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या जीला फाटू WWE में रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे। तो आपको बता दूं जैकब फाटू ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जैकब फाटू के साथ साथ कई रिपोर्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि जीला फाटू भी आने वाले हैं WWE में। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों का कब डेब्यू देखने को मिलता है WWE में। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेट खली के बारे में, यानी कि WWE के फेमस सुपरस्टार द ग्रेट खली ने अपना नया टैटू बनवाया है। और गाइस सीरियसली काफी अट्रैक्टिव टैटू लग रही है उनके हाथ पे। तो भले ही ग्रेट खली WWE में अभी नहीं है बट हमेशा ही उनके बारे में बातें होती रहती है। इस बार का ही देख लो, वो अपने टैटू के वजह से काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में एक बार फिर से। उन्होंने अपने टैटू की पिक्चर सोशल मीडिया में लाइक इंस्टाग्राम में भी शेयर की है। वैसे आपको बता दूं खली ने कुछ टाइम पहले अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कॉडी रोड्स के जैसा टैटू अपने गर्दन पे बनवाया।
करवाया था और द ग्रेट खली ने जो टैटू अपने नेक पे बनवाया था उसे भी काफी ज्यादा पसंद किए थे फैंस। वैसे गाइस उससे भी अच्छा एक और टैटू उन्होंने अपने हाथ पे बनाया रिसेंटली। वैसे आपको बता दूं इस टैटू में एक शब्द लिखा है जो कि काफी वैल्यू करता है ग्रेट खली के लाइफ में, ना सिर्फ ग्रेट खली के लाइफ में बल्कि हम सबके भी लाइफ में, जिसमें उन्होंने हिंदी में मेरी माँ शब्द लिखाया है। नेक्स्ट बात करते हैं WWE में अभी करंट टाइम में ऐसे डेंजर डेंजर सुपरस्टार आ गए जिनके सामने कंपीट करना अभी और भी डिफिकल्ट हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर ने जिस तरह से WWE में अपना परफॉर्मेंस दिखाया था उससे साफ समझ में आ रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर के स्पेयर से बच पाना भी करंट टाइम में काफी डिफिकल्ट हो गया है। और अगर दूसरे सबसे डेंजर सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो वो है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर लिटरली काफी पावरफुल है, उनसे कम्पीट करना लिटरली काफी डिफिकल्ट है करंट टाइम। सबसे पावरफुल सुपरस्टार में एक और सुपरस्टार इंक्लूड हो गया, वो है गुंथर। वैसे अभी का मानो तो अभी के टाइम में WWE के सबसे ताकतवर रेसलर्स में से एक है गुंथर। वैसे गाइस अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किंग ऑफ द रिंग बन पाते हैं या नहीं। वैसे भी उनका फाइट तो रैंडी ऑर्टन के साथ ही होने वाला है। रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच एक तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है किंग ऑफ द रिंग में, मिस मत करना इस मैच को। नेक्स्ट बात करूं और लास्ट टॉपिक के बारे में बोलूं तो रॉ का व्यूअरशिप रिवील हो गया। वैसे आपको बता दूं इस बार के रॉ के एपिसोड में 17,33,000 लोगों ने देखा था इस रॉ का एपिसोड। वही अगर प्रीवियस हफ्ते के एपिसोड के बारे में बोलूं तो उस टाइम व्यूअरशिप 15,89,000 आया था, जो कि इस वीक ज्यादा आया है। जिस तरह से WWE की व्यूअरशिप डाउन हुई थी अब फाइनली ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे। वैसे ना सिर्फ व्यूअरशिप बल्कि इस वीक का डेमोग्राफ भी ज्यादा आया है। वैसे गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।